जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार तीसरे वनडे मुकाबले में क्या भारतीय टीम होने वाली है उसके बारे में, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि रविंद्र जडेजा के साथ साथ कौन से खिलाड़ी बाहर हुए हैं और क्या पूरी टीम होगी। तो पूरी जानकारी के लिए आप सभी बने रहिएगा और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम तीसरा वनडे मुकाबला जीते तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताई कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में तीन मैचों की वनडे सीरीज के दो मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारतीय टीम को हार का सामना भी करना पड़ा है। तो ऐसे में अब इस सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला 11 फरवरी को खेला जाएगा और यह मुकाबला बे ओवल के मैदान में खेला जाएगा, जो कि भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे से शुरू होगा। तो ऐसे में दोस्तों, खबर ये निकल कर आ रही है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मुकाबले में से रविंद्र जडेजा को आराम दिया जा सकता है और इनकी जगह पर कुलदीप यादव की एक बार फिर से वापसी हो सकती है। तो वहीं इसके अलावा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की कप्तानी एक बार फिर से केन विलियमसन कर सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि पहले दो मुकाबलों के लिए केन विलियमसन को आराम दिया गया था और टॉम लैथम ने न्यूजीलैंड टीम की कमान संभाली थी, लेकिन अब तीसरे वनडे मुकाबले में केन विलियमसन वापसी करेंगे और भारतीय टीम के खिलाफ वो कप्तानी करते हुए हम सभी को नजर आएंगे। तो वहीं दोस्तों, हमने आपको तो बताई दिया कि भारतीय टीम में रविंद्र जडेजा को बाहर किया जाएगा और कुलदीप यादव को अंदर लेकर आया जाएगा, और इसी के साथ भारतीय टीम आप सभी को काफी कुछ बड़े बड़े बदलाव भी देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भारत की संभावित प्लेइंग 11 टीम क्या होगी तीसरे वनडे मुकाबले के लिए। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो ओपनिंग साझेदारी होगी ना, वो पृथ्वी शॉ और केएल राहुल के हाथों में सौंपी जाएगी, मतलब कि आप दोनों को ये बल्लेबाज ओपनिंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो वहीं जो मध्यक्रम संभालेंगे उसमें होंगे विराट कोहली, सुरेश अय्यर, ऋषभ पंत और मनीष पांडे, और वहीं जो गेंदबाजी पक्ष संभालेंगे उसमें होंगे कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। तो ऐसे में दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है, क्या तीसरा वनडे मुकाबला भारतीय टीम इस टीम के साथ जीत पाएगी या फिर नहीं, या फिर इस टीम में भी कुछ बड़े बड़े बदलाव होने चाहिए, किसी और बल्लेबाज को लेकर आना चाहिए? आप अपनी कीमती और महत्वपूर्ण राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और हम उम्मीद है कि आपको दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।